साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन देखने वाले हैं कि भैंस में कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है AI इन बफेलो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एनिमल को प्रॉपरली रिस्ट्रेन करना होता है। अब यहाँ पे जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पे अपन पेड़ के नहीं बांध सकते एनिमल को, तो बिना पेड़ के बांधे एनिमल को कैसे रिस्ट्रेन किया जाता है, ये भी वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। प्रॉपरली रिस्ट्रेन करने के बाद में अपन रेक्टल पाल्पेशन करेंगे, जो एनिमल है वो प्रॉपर हीट में है या नहीं, ऑलरेडी प्रेग्नेंट तो नहीं है, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेक्ट करने के बाद ही अपन AI पे जाएंगे। अब डिजायरेबल जो सीमन स्ट्रो होगी उसको अपन जार से निकालेंगे, हल्का झटका मारेंगे और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी में उसको 30 सेकंड के लिए डाल देंगे थाविंग के लिए। थाविंग के बाद में अपन आते हैं AI गन को लोड करने के लिए। AI गन को लोड करने का पूरा जो प्रोसीजर है वो अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है कैसे AI गन लोड करनी होती है। तो AI गन का जो प्लंजर होता है उसके अंदर अपन जो कॉटन प्लग वाला एंड होता है सीमन स्ट्रो का उसको अंदर डालते हैं, और जो ऊपर वाला लेबोरेटरी सील होती है उसको अपन होरिजोंटली कट कर देते हैं। उसके लिए अपने स्ट्रो कटर भी होना चाहिए या कैंची की सहायता से भी अपन जनरली फील्ड कंडीशंस में ही काम करते हैं, पर उसको होरिजोंटली कट करना होता है। उसके बाद में उस पर सीथ लगाते हैं और आ जाते हैं अपन एनिमल के पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। इसमें अपने को विशेष सावधानी ये रखनी होती है कि जो AI गन है उसका किसी भी पार्ट को एनिमल के पार्ट को टच ना हो, या किसी भी फॉरेन पार्टिकल जो भी बाहर का पार्टिकल है उसके टच नहीं होना चाहिए। AI गन बिल्कुल किसी भी चीज़ के टच ना हो, जिससे किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावनाओं को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों रेक्टल मेथड से अपन जब AI करते हैं तो रेक्टली सर्विक्स को होल्ड करते हैं अपन और उसको आगे की तरफ खींचते हैं, यानी एनिमल के मुंह की तरफ उसको थोड़ा धकेलते हैं, जिसकी वजह से जो वेजाइनल फोल्ड्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और AI गन ईजिली सर्विक्स तक पास हो जाती है। सर्विक्स से अंदर ओस में AI गन को अपन पास करते हैं, उसके बाद में अपन सीमन डिपॉजिट कर देते हैं। तो AI का ये प्रोसीजर है दोस्तों। इसके अलावा कैटल में AI कैसे करते हैं अपन, इस प्रकार के वीडियोज भी अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। उसके अलावा और किस प्रकार की जानकारी के वीडियो आप चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।